हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैंप और जब यूनिट स्टेप एक साथ आ जाए ग्राफ में तब क्या करना, कैसे उसकी इक्वेशन को लिखेंगे। अब देखो, अब इससे पहले मैंने बताया, सबसे पहले वाले जो वीडियोस थे उसमें बताया था मैंने स्टेप सिग्नल को कैसे लिखना ग्राफ से, फिर रैंप को कैसे लिखना है। अब बात करने वाले हैं दोनों मिक्स आ जाए तब। देखो, रूल सेम रहेगा जैसे उनका जैसा था, बस हल्का सा डिफरेंस है। वो क्या होगा वो इसको करते वक्त समझ आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो रैंप जो लाइन दे रखी है उनके ग्राफ फाइंड करते हैं, ठीक है। देखो, मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ गिवन है हमें। एक तो ये पहले यहाँ से ये लाइन है, ठीक है, ये ऐसा करके जा रही है, ये सब रैंप का पार्ट है, ये भी रैंप है, ये भी रैंप है, ठीक है, ये भी रैंप है। स्टेप कहाँ पे होता है, जहाँ पे वर्टिकल लाइन होती है, कहाँ पे होता है वर्टिकल लाइन होती है। उसके अलावा और कोई भी लाइन है वो क्या होगी, रैंप का पार्ट होगी, ठीक है। तो ये भी क्या है, रैंप है। तो जो इसमें वो होने वाला है स्टेप, वो केवल एक जगह है, ठीक है, और कहीं पे नहीं है। उसके बाद ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या करना है, इसकी इक्वेशन को हमें लिखना। तो इसको इक्वेशन को लिखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से लिखेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, सब पे स्लोप फाइंड करने हैं। तो स्लोप फाइंड करते हैं -2 से पहले, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप तो 0 रहने वाला, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, -2 पे क्या हुआ, लाइन ऊपर चली गई, तो इसके इस लाइन का स्लोप लिखते हैं। मैंने स्लोप निकालना सिखाया, स्लोप हम क्लास 9 से निकालने आते आ रहे हैं। तो क्या होता है स्लोप का फॉर्मूला, y2 - y1 x2 - x1, ठीक है, ये होता है। तो मुझे दो पॉइंट चाहिए कोई भी, तो एक तो इस लाइन का ये हो गया -2, 0, क्योंकि वाई एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 है और वाई की वैल्यू 1। तो दो पॉइंट मुझे मिल चुके हैं, मैं उससे स्लोप निकाल लूंगा, ठीक है। हर लाइन का मुझे क्या करना है, स्लोप निकालना, -2, 0, -1, 1। तो ये आ गया x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो इसका स्लोप निकालते हैं, कितना आ जाएगा, y2 - y1, y2 है 1, y1 है 0, x2 है -1 और x1 है -2, ठीक है। माइनस को ध्यान से लिखना है, जब दो माइनस आ जाए तो एक ब्रैकेट का यूज करना है। तो ये कितना बचेगा, 1 अपॉन -1 + 2, यानी कितना आ जाएगा, ये 16 का 1, ठीक है। तो इसका जो स्लोप रहने वाला है वो कितना आएगा, 1। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, स्लोप क्या आएगा इसका, 1, ठीक है। यह क्या आएगा, स्लोप इसका 1, ठीक है। इसको सर सर्किल में लिख लो ताकि याद रहे। अब इसके बाद क्या आता है, -1 के बाद एक पैरेलल लाइन आ जाती है एक्स एक्सिस के, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होती है उनका स्लोप क्या होता है, 0, ठीक है। जैसे यहाँ पे आता है ये पहले, तो ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 स्लोप आ जाएगा उसका, ठीक है। तो इसका कितना आ गया, 0 स्लोप आ जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट 0 के बाद एक लाइन नीचे की तरफ जा रही है, तो मुझे कोई दो पॉइंट चाहिए। एक तो यहाँ से ही मिल जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू 0 होने वाली है, तो 0, 1, ठीक है। और इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहाँ पता, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -1 है। तो मुझे दो पॉइंट मिल चुके हैं, 0, 1 और 1, -1। तो मैं इसका स्लोप निकालूंगा अगेन यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ इतने पार्ट को, तो ये जो आ जाएगा मेरा, चलो इसको निकालते हैं भैया। तो पहला पॉइंट है हमारा 0, 1, तो 0, 1। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा 1, -1, तो मेरा स्लोप कितना आ जाएगा, y2 - y1, 1 - 1 - 1, 1 - 0, तो -2 अपॉन 1, यानी कितना, -2। तो ये जो स्लोप आ गया कितना आ गया, नीचे की तरफ जा रही है क्योंकि, इसलिए स्लोप माइनस का आएगा। आगे फिर देखो, ये क्या आ गया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। हॉरिजॉन्टल लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उन सब का स्लोप 0 होता है, ठीक है, कहीं पर भी हो स्लोप 0 देगी। उसके बाद क्या आ जाता है, स्टेप आ जाता है, क्या आ जाता है, स्टेप आ जाता है, कितने का। मैं इसको अलग कलर से डिनोट कर रहा हूँ, चलो रेड कलर से इसका लिखता हूँ। तो स्टेप कितने का, मैंने स्टेप वाले में बताया था केवल वाई की वैल्यू देखनी है, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू 0 और यहाँ पे वाई की वैल्यू -1। तो ऊपर जो फाइनल पोजिशन होगी, जहाँ 2 तक गया है ये, इनिशियल वाले में घटा देंगे, तो 0 पे पहुंच गया माइनस इनिशियल कितने पे था, वाई की वैल्यू -1, तो कितना आ गया ये 1।
और हमें पता है जब ऊपर की तरफ जाता है तो क्या आता है, प्लस ही आता है भैया इस टाइप। ठीक है, अब लिखेंगे सेम काम करेंगे जो वहां पे किया था। ठीक है, जिस पॉइंट पर खड़े हैं उस पे मान, तो यहाँ से शुरू करें हम -2 से, तो -2 पे शुरू करें तो स्लोप पीछे 0 था और उसके बाद आगे क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसका इसकी जो इक्वेशन लिखेंगे कैसे लिखेंगे, आगे का स्लोप माइनस पीछे का स्लोप। तो ये तो है लाइन हमारी, ठीक है, तो इसका लिखते हैं स्लोप। तो ये कितना हो जाएगा, पीछे आगे का स्लोप है 1 और पीछे का स्लोप है 0। हम इसको x ऑफ t लिख रहे हैं यहाँ पे, और ये कितना r ऑफ, इसकी पोजीशन क्या होगी, t+2। ठीक है, t+2 क्यों, और t+2 को अगर 0 पुट इक्वल पुट करूँ तो t की वैल्यू क्या आएगी, -2। ठीक है, इसमें ऐसे लिखा। आगे देखते हैं फिर, आगे क्या हुआ, -1 पे जाने के बाद स्लोप 0 हो जाता है। ठीक है, तो -1 पे जाके एक चेंज आ रहा है फिर से, तो स्लोप हो गया 0, पीछे वाले गया था 1, तो लिखेंगे अगेन प्लस आगे वाले का स्लोप 0 और पीछे वाले का स्लोप -1। आर ऑफ कितने पे मिली, चेंज हुआ है 1 पे। ठीक है, क्योंकि ये रैंप का पार्ट है इसलिए आर से लिख रहे हैं इसको। फिर क्या हुआ, 0 पे जाके एक्स की वैल्यू 0 पे जाके अगेन चेंज हो गया, नया स्लोप हो गया -2, पुराना था 0, तो लिखेंगे इसको भी ऐसे ही, नया स्लोप हो गया -2, सॉरी, और पुराना स्लोप था 0, और आर ऑफ टी माइनस इसकी पोजीशन 0। ठीक है, आगे देखो फिर 1 पे आके क्या हो गया, अगेन ये क्या हो गया, स्लोप 0 हो गया, पहले था -2 पे चल रहा था, तो कितना हो जाएगा, पुराना स्लोप था 0 माइनस, सॉरी, नया स्लोप हो गया 0 माइनस, पुराना कितना था, माइनस का। तो और ये भी क्या आएगा, आर ऑफ आर टी का ही पार्ट है ना, तो आर टी -1। अब देखो यहां तक तो बात हो गई, यहां तक तो बात हो गई, काम खत्म। इसके बाद क्या हुआ, एक साथ स्टेप आ गया, तो स्टेप जोड़ देंगे, कितने का है स्टेप, कितने का, +1 का, और उसकी पोजीशन क्या, यू से लिखेंगे इसको, t-2। ठीक है, जो 0 से छोटे होते हैं वो t प्लस के साथ आते हैं ज्यादा हमेशा, और जो राइट साइड में होते हैं 0 के, ठीक है, तो वो क्या आते हैं, माइनस के साथ आते हैं। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 1 -0 1 ही होता, तो ये कितना हो गया, आर टी +2। 1 को लिखो मत लिखो, और 0 -1 -1 हो गया, तो इसको 1 को भी लिखो मत लिखो, तो माइनस से ही काम चल जाएगा केवल। -2 -0 माइनस का 2 होगा, तो प्लस माइनस माइनस भी होता, तो आर ऑफ टी आ गए। 2 -1 साथ आ रहे हैं, तो 0 + 2, ठीक है, 2 माइनस से प्लस हो जाएंगे, यानी 0 + 2 2 ही हो जाएगा केवल, 2 r of t -1 प्लस आगे क्या, 1, 1 को लिखो मत लिखो, u ऑफ टी -2, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, क्या हो गया इसका, ये आंसर, बस यही क्या करना था हमें, निकालना इसका इक्वेशन लिखना रहता है। ठीक है, एग्जाम में आ जाता है, और वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें इक्वेशन लिखनी आनी ही चाहिए। देखो, जब मैं फोरियर सीरीज स्टार्ट करूंगा अभी कुछ दिन बाद, तो वहां पे कुछ इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, कैसा होता है, वहां पे जब डेरिवेटिव आ जाता है, तब डेरिवेटिव लेना होता है, तो इक्वेशन पहले हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पे इसका इस्तेमाल आएगा, इसलिए मैं पहले ही इसको वीडियो बना दे रहा हूँ, ताकि आप फोरियर सीरीज देखेंगे, मैं वहां पे क्या करूंगा, इसका लिंक भी डालूंगा, बताऊंगा कि यहाँ पे आके इस वीडियो को देखना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया, नेक्स्ट करें क्या, बिल्कुल करते हैं। ठीक है, अभी टाइम बचा हुआ हमारे पास, चलिए इसे इसका लिखना हमें। देखो अगेन क्या, हमें यहाँ पे स्टेप और रैंप दोनों चीजें दिख रही होंगी, तो देखो पहले मैं क्या करता हूँ, स्टेप को मार्क कर देता हूँ। तो स्टेप देखो कहाँ पर है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये स्टेप है। ठीक है, वर्टिकल लाइंस भी क्या होती है, स्टेप होती है, और यहाँ पे ये फिर क्या रहा, ऊपर से यहाँ पे ग्राफ खत्म हुआ था, फिर क्या रहा, नीचे की तरफ आ रहा। ठीक है, पता होना चाहिए कि ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा, जहाँ पे खत्म होती है वहां से ही लाइन बनानी शुरू करनी है, और कहाँ कहाँ पे रैंप है, कहाँ कहाँ पे रैंप है, भाई साहब यहाँ पे रैंप है। ठीक है, इससे पहले ये रैंप है, फिर क्या हुआ, ये रैंप चला ऊपर की तरफ, ठीक है, ऐसा चला, फिर कहाँ होगा, रैंप यहाँ पे होगा। ठीक है, व्हाइट से मैंने रैंप मार्क किया, रेड से क्या करा, स्टेप को मार्क करा, तो मुझे क्या करना, सबका एम्पली उसका स्टेप के लिए उसका एम्पलीट्यूड फाइट करना, और रैंप के लिए क्या करना, स्लो फाइट करना।
चलो किसी के लिए फाइंड कर लेते हैं पहले। मैं फाइंड कर लेता हूँ स्टेप के लिए, ठीक है। स्टेप के लिए देखो यहाँ पे ये माइन, यहाँ पे ये इसकी वाई की वैल्यू 0 रही होगी, और यहाँ पे ये वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3। तो ये कितना नीचे आया, -3, ठीक है। या ऐसा कर सकते हो फाइनल -3 पे पहुंच गया, 0 शुरू हुआ था, -3 - 0 -3, ठीक है। ये कितना आ गया, -3। मैं इसको सर्किल कर लेता हूँ, ये एम्पलीट्यूड है सर इसका, ठीक है। यहाँ पे कितना, यहाँ पे 3 पे शुरू हुआ था और कहाँ पे पहुंच गया, वाई की वैल्यू एक्स एक्सिस पे 0 होती है, तो 0 - 3 कितना आ जाएगा, -3। जब नीचे की तरफ जाएगा हमेशा आंसर नेगेटिव आने वाला है एम्पलीट्यूड का, ठीक है। जो भी चीज चार्ज स्लोप हो या एम्पलीट्यूड हो, अगर नीचे की तरफ जा रही है तो नेगेटिव, ऊपर की तरफ जा रही है तो पॉजिटिव। अब लिखते हैं स्लोप, स्लोप लिखना शुरू करते हैं। चलो जब स्लोप लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइंस का स्लोप होता है 0, तो यहाँ तो आ जाएगा 0, और एक लाइन यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इस वाली लाइन का फाइंड कर लेते हैं। इस पे कोई भी दो पॉइंट लिख लो, ये एक तो ओरिजिन से ही जा रहा है, यहाँ पे पॉइंट पता है मुझे, और यहाँ पे पता है, यहाँ के भी लिख सकता हूँ, अपनी मर्जी है। कोई भी दो पॉइंट ले लो इस पे, एक तो ये हो गया 0,0। अगला क्या हो जाएगा, यहाँ वाला लिख लेते हैं, चलो 2,3। स्लोप का फॉर्मूला m = y2 - y1 और क्या x2 - x1। तो दो पॉइंट है मेरा, ये हो जाएगा x 0,0 और क्या दूसरा 2,3। इस वाले को कह दिया x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो हमारा स्लोप कितना आ जाएगा, कोई भी दो पॉइंट ले सकते हो पूरी लाइन पर जो भी पता है। तो y2 - y1 यानी 3 - 0 और 2 - 0 यानी 3/2। तो कितना आ गया इस पे स्लोप, 3/2, ठीक है। सब कुछ पता चल चुका, एम्पलीट्यूड पता चल गए, स्लोप पता चल गए। अब लिखते हैं इक्वेशन, देखो कैसे लिखेंगे इक्वेशन। मैं थोड़ा इसको पेज को ऊपर कर दूं, ठीक है। अब इतना तो दिख ही रहा, इतना काफी है। लिखते हैं इसकी इक्वेशन को, x(t), ठीक है। तो सबसे पहले मिला मुझे स्लोप, स्लोप के बाद ही मुझे क्या मिल गया, स्टेप। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जब स्टेप और रैंप एक साथ दोनों आ जाते हैं तो पहले स्टेप को लिखना, ठीक है। तो -2 पे पहले क्या लिखेंगे हम, स्टेप की वैल्यू। जब मैंने ग्राफ बनवाए थे तो समझ आया होगा, वहां पे इस स्टेप को ही सबसे पहले इंपोर्टेंस दिया जाता था, ठीक है। ut+3 हो जाएगा। आगे देखो रैंप के लिए लिखना, अब रैंप यहाँ पे क्या है, -2 पे क्या, एक रैंप पे, ये ऊपर की तरफ लाइन जा रही है ना, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं, किसी उस पर रैंप की वैल्यू, आगे का स्लोप यानी -2 पे आगे की तरफ स्लोप जा रहा 3/2, इससे पीछे कितना 0, ठीक है। तो स्लोप इसको -3 को मत ले लेना, ये तो एम्पलीट्यूड है स्टेप का, ठीक है। जो स्लोप कितना है, ये 3/2 ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो -2 के आगे जो स्लोप है वो 3/2, -2 के पीछे जो स्लोप है वो 0, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। तो 3/2 - 0 कितने पे है, ये रैंप t+2 पे, सॉरी वो ये भी t+2 पे ही था, स्टेप स्टेप भी किस पे था, t+2 पे, और t+2, ठीक है। अब ये चलता गया चलता गया, फिर यहाँ पे जाके 2 पे जाके एक फिर स्टेप मिल गया, और आगे जाके फिर रैंप पे, यानी 2 पे अगेन क्या हो जा रहा, दोनों चीजें एक साथ आ जा रही हैं। पहले ये आ जा रहा स्टेप, उसके बाद ही तुरंत रैंप पे आ रहा। तो पहले किसको लिखेंगे, स्टेप को, ठीक है। तो ये क्या आ रहा, 3 स्टेप नीचे आ रहा, तो -3 u(t - 2)। आई बात समझ। फिर देखो 2 के बाद क्या हो जा रहा, स्लोप 0 हो जा रहा, ठीक है। तो जो 2 से पहले स्लोप कितना था, ध्यान से देखो, 3/2 था, ठीक है। तो फिर कर देंगे अगेन, तो 0 आगे का स्लोप माइनस पीछे का स्लोप 3/2। बहुत आसान है, देखो कोई भी चीज नहीं चेंज करनी, बस यहाँ पे इम्पोर्टेंस किसको दे जाते हैं हम, स्टेप को, ठीक है। जब एक पॉइंट पे दोनों चीज आती है तो स्टेप को इम्पोर्टेंस देना, यानी स्टेप को पहले लिखना। तो x(t) कितना आ गया मेरा, -3 u(t+2) 3/2 r t+2 -3 u t माइनस टू
और ये कितना बचेगा, माइनस 3/2 आर टी माइनस 2। ये क्या है आंसर है इसका, ठीक है, ये इसका आंसर है। देखो बहुत आसान है इसको लिखना, ज़्यादा कुछ करना है नहीं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं एक होमवर्क भी देता हूँ ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। तो सभी के लिए क्या एक होमवर्क प्रॉब्लम, ठीक है, मुझे लगता है सभी का सब इसका आंसर तो दे देंगे एटलीस्ट, ठीक है। जैसे हमने ये दो क्वेश्चन करें, इसका जवाब देना तो मुझे लगता है बहुत आसान होगा, ठीक है। तो सभी आप कमेंट करेंगे, एक बार कमेंट करेंगे तो मैं आपका आंसर चेक करके बता दूंगा, ठीक है। अगर आंसर करेक्ट है तो मैं आपको नहीं समझ लो आपका कमेंट लाइक कर दूंगा, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। फिलहाल इसका प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, आप जरूर करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।